हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। हाँ, है। मजा आया। स्वागत है गाइस एक और निकमाल की वीडियो में। तो देखो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले विनर पास में क्या क्या नई चीजें आने वाली है। हाँ भाई, हाँ, न्यू चीजें क्या क्या चीजें आने वाली है। और साथ ही तुम्हारे भाई के पास बहुत सारे लीक्स निकल के आई है, बैक पे से लेकर हेलमेट से लेकर डास या स्क्रीन से लेकर सब कुछ दिखाऊंगा। और साथ ही देखो अभी तक भाई लोग आपने 0.22.0 अपडेट किया क्या? नहीं किया क्या? तो जाके देखो मेरा पुराना वीडियो देख लो भाई, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो जाके देख लेना कि कैसे अपडेट करना है। और जिन भाई लोगों का लिंक से नहीं हो रहा था तो मैंने उसमें वीडियो के एंड में भी थोड़ा बहुत बताया है, तो वो पूरा पार्ट देख लेना तो आप काफ़ी इजीली मतलब अपडेट कर पाओगे। तो हाँ भाई लोग, अपडेट में तो कुछ खास चीज़ें आई नहीं है, बट जो भी आया है मैंने तो वो वाले वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। तो अभी आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। अगर देखो अगर विनर पास के वीडियो में इस वाले वीडियो में मेरे पास जो कन्फर्म लिंक है वही निकल के आई है। तो अभी तक मैंने विनर पास पे 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ, मैं आई बटन पे और इवन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया बढ़िया लिंक्स थी, तो जो भी मेरे पास सारी लिंक्स थी तो मैंने रखी है, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पूरा कॉम्बो है, मतलब एक चीज़ नहीं, पूरा कॉम्बो है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास आउटफिट है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका हेड गियर भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका बैकपैक का स्किन, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर हेड देखने को मिल रहा है। तो और यहाँ पर साथ ही साथ उसका एक आउटफिट, और साथ ही साथ एक काइनेटिक का स्किन। तो जो भी है पूरा कॉम्बो के साथ है, मतलब ये पूरा एक कॉम्बो है। तो ये जो मैं सारे कॉम्बो दिखा रहा हूँ एक साथ, इनमें से एक आध कॉम्बो हमारे आने वाले ड्यू विनर पास में आ सकता है। तो आप देखो इरिडोल का पूरा सेट है, उसका हेड गियर है, उसका बैकपैक का स्किन, यहाँ तक कि पेन का स्किन, और साथ ही साथ इरिडोल M416 जो आपका मतलब सबसे फेवरेट आइटम कह सकते हो M416। काफ़ी लोगों के पास M416 का स्किन नहीं है, मेरे को ये बात पता है। तो भाई लोग, हाँ, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस वाले आने वाले न्यू विनर पास में। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या M416 का स्किन चाहिए आने वाले न्यू विनर पास में या नहीं, तो एक बार जरूर कमेंट करके जरूर बता देना। तो देखो यहाँ पर साथ ही साथ मेरे पास उसका आउटफिट भी है। तो यहाँ पर फॉर्च्यून टेलर हेडगियर जो फर्स्ट RP पे देखने को मिल सकता है। तो साथ ही साथ हमारे पास है स्नोमैन हेडगियर, और स्नोमैन का पूरा सेट है। तो स्नोमैन मेरे को इतना पसंद नहीं आया, मतलब एकदम बकवास सा है भाई, कुछ खास नहीं है। बस उसका बैकपैक और पेन का स्किन तो भाई कहते जहर है। साथ ही साथ पर QBG का स्किन, और यहाँ पर एक मतलब सेंटे का पूरा क्लोज सेट देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारे पर एक न्यू आउटफिट है, कैरेट फैंटेसी कवर और उसका आउटफिट, तो मतलब सेट है पूरा। तो सेट है, उसके साथ यहाँ पर एक AKM का स्किन है, और साथ ही साथ हमारे पर हैप्पी रेकून सेट, तो ये वाला फर्स्ट RP पे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे पर डासिया की स्किन है। तो मैंने जो आपको पूरा कॉम्बो दिखा, इनमें से एक आध कॉम्बो हमारे आने वाले न्यू विनर पास में आ सकता है। तो बढ़ते हैं अब AR की तरफ। आने वाले मतलब एक AR का स्किन है AKM का, तो ये देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ पर एक M24 का भी स्किन है, तो ये वाला भी एक M24 है। साथ ही साथ कार्नेटेड है, और एक म्यूटेंट का स्किन यानी कि MK47 का भी स्किन है यहाँ पर। तो इनमें से एक आध स्किन आ सकता है। मैं तो पर्सनली MK14 का स्किन चाहता हूँ। क्यों? पहले मेरे पास एक भी स्किन नहीं है MK14 का, और मतलब 47 का एक भी स्किन नहीं है मेरे पास। तो ये वाला आ गया तो मज़ा आ जाएगा भाई, मस्त है, सस्ता है और मस्त है। तो ये वाला भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे पास एक और है M416, यहाँ पर है सिल्वर प्लेटेड M416 और सिल्वर प्लेटेड विक्टर। ये दोनों स्किन में से भी एक आध स्किन यहाँ पर आने वाले न्यू विनर पास में आ सकता है। तो सिल्वर प्लेटेड M416 मेरे को अच्छा लगा कि वो आता है, तो भाई मज़ा आ जाएगा क्योंकि काफ़ी लोगों के पास M416 का स्किन नहीं है। तो इनमें से जो भी आएगा तो मज़ा आएगा। साथ ही साथ हमारे पास काफ़ी सारे इमोट की भी लिक्स निकल के आई है, तो कमेंट करके जरूर बताना इनमें से आपको कौन सा इमोट पसंद है। तो ये ओके है, और एक कुछ चाइनीज़ में नाम लिखा है पता नहीं, बट मस्त इमोट है वाला। तो इनमें से 3 जो मैं इमोट दिखा रहा हूँ, तो इनमें से एक आध इमोट आ सकता है। अगर इससे पहले भी मेरे पास और लिक्स निकल के आएंगे तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी लिक्स कवर करूंगा। तो ये वाला है रिदम राइडर सेट का है, तो शायद ये मिथिक आउटफिट होने वाला है। तो ये वाला तो मेरे को लगता है प्रीमियम क्रेट में या तो लकी स्पिन में आ सकता है। और लास्ट में देखो विनर पास का गोल्ड रेट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो उससे पहले देखो भाई, हमारे जो प्रीवियस वीडियो में जिन भाई लोगों को शाउट आउट चाहिए था, उन लोगों को हम शाउट आउट अभी देंगे। तो उससे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर एक हेड का स्किन है, और एक आउटफिट है, और साथ ही साथ हमारे PP भाईजन का एक स्किन है। तो भाई लोग, हाँ भाई, हमारे इस बार जो विनर पास का जो गोल्डन क्रेट होने वाला है यानी कि जो हम रिडीम करके रहते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलने वाली है। तो अब हमारा पहला सवाल रहता है यहाँ पर निंजा एक्स गेमिंग को, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ हमारा दूसरा शाउट जाता है यहाँ पर, शाउट आउट जाता है विशाल को, और तीसरा शाउट आउट हमारा जाता है यहाँ पर सुनील को, और लास्ट वाला शाउट जाता है हमारे यहाँ पर
अक्षत गेमिंग वाईटी को। तो भाई लोग आपको भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट में अच्छा कमेंट कर देना और लिख देना कि हमको शाउट आउट चाहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं है तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।